गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की एक एक्सरसाइज सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण में काम आने वाली एक विधि जिसे क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं के बारे में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम ऐसी ही एक अन्य विधि जो कि कुछ विशेष ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्यूरिफिकेशन में काम आती है को डिस्कस करेंगे और इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी सॉलिड या ठोस पदार्थ को गर्म करने पर पहले वो एक निश्चित ताप जो कि सॉलिड का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है पर पिघलकर लिक्विड या द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम लिक्विड को हीट करें तो एक निश्चित ताप जो कि उस लिक्विड या द्रव का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहलाता है पर लिक्विड वाष्पीकृत हो जाता है और गैसीय प्रावस्था में बदल जाता है। किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हीट करने पर वो बिना द्रव प्रावस्था में बदले सीधे ही वाष्प प्रावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और यदि इन वाष्पों को ठंडा किया जाए तो ये वापस अपनी मूल ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा वाष्पशील पदार्थों को अवाष्पशील पदार्थों से अलग किया जा सकता है और ये अवाष्पशील पदार्थ जो हैं अशुद्धियों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, इसीलिए ये पदार्थ का शुद्धिकरण करने के काम में आती है। इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल जैसे वाष्पशील यौगिक को शुद्ध किया जा सकता है। तो इस एक्सरसाइज के लिए जो हमारा उद्देश्य होगा वो है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा दिए गए कार्बनिक पदार्थ का शुद्धिकरण कीजिए और इसके लिए जो आवश्यक उपकरण हैं वो हैं कीप, फिल्टर पत्र, जल ऊष्मक यानी वाटर बाथ या बालू ऊष्मक या सैंड बाथ। विधि, सर्वप्रथम बोरोसिल के वॉच ग्लास पर अशुद्ध पदार्थ की करीब 3 से 4 ग्राम मात्रा लेते हैं और उसको एक छिद्रयुक्त फिल्टर पत्र या छिद्रयुक्त कागज के गत्ते से ढक देते हैं। इसके पश्चात इसके ऊपर एक उल्टा कीप रख देते हैं। इस कीप के चारों ओर जल से भीगी रुई लपेट दी जाती है। रुई के स्थान पर हम भीगा फिल्टर पेपर भी काम में ले सकते हैं और इसके ऊपरी छेद पर जल से भीगी रुई की डार्ट लगा देते हैं और सैंड बाथ पर रखकर जब इसे गर्म किया जाता है तो पदार्थ सीधे ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और संघनित या कंडेंस होकर कीप के अंदर के भाग में जमना आरंभ हो जाता है। जब पूरा पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तो इस कीप को बर्नर से हटा लेते हैं और कीप के
ठंडा होने पर उसके अंदर जमा पदार्थ को खुरच कर एक वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं और इसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करते हैं। और ये गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट उस शुद्ध पदार्थ का ही गलनांक होता है। चित्र में इस ऊर्ध्वपातन विधि को दर्शाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास के ऊपर एक फनल जो है उसको उल्टा करके रखा हुआ है। इस फनल के ऊपर हम हमारा अशुद्ध पदार्थ लेते हैं और इस फनल के चारों तरफ एक भीगी रुई या भीगा फिल्टर पेपर लपेट दिया जाता है और साथ ही इस फनल के जो ऊपरी छिद्र है उसके ऊपर भी एक रुई या फिल्टर पेपर से उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा पदार्थ है उसको गर्म करने पर उसकी वेपर्स बाहर ना निकल सकें। और साथ ही इसे गीला इसलिए किया जाता है जिससे जो गर्म गर्म वाष्प है वो इस ठंडी सतह से टकरा कर ईजीली कंडेंस हो सके या संघनित हो सके। और इस एपरेटस को एक बालू ऊष्मक के ऊपर रखकर, यानी एक सैंड बाथ के ऊपर रखकर गर्म किया जाता है। ये एक बर्नर है और गर्म करने पर जो हमारा सॉलिड है उसकी वाष्प निकलती है जो इस ठंडी सतह से टकराकर संघनित होती है और इस फनल के भीतरी भागों पर जमा होती जाती है। और जब पूरा पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तो इस कीप को ठंडा कर हम एक फोर्सेप की मदद से इसको अंदर की सतह को खुरच कर शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं और उसका गलनांक ज्ञात करते हैं, जो कि शुद्ध पदार्थ का ही गलनांक होता है। थैंक यू।